हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज। फिल्म की शुरुआत एक क्लब से होती है। वहाँ हम एक महिला को देखते हैं, उसका नाम कैसी थॉमस है और उसकी उम्र 30 साल है। कैसी बहुत ज्यादा ड्रंक होती है। तभी उसके पास एक शख्स आता है, वो कहता है क्या तुम ठीक हो। वो बताती है कि मैं अपना फोन ढूंढ रही हूँ, नहीं मिल रहा है। वो कैसी से कहता है कि वो उसे घर छोड़ देगा। कैसी उसके साथ कैब में चली जाती है, पर वो शख्स कैब ड्राइवर को गाड़ी 242 रैली ड्राइव पर रोकने के लिए कहता है। वो कैसी को अपने घर पर लेकर चला जाता है। वहाँ वो कैसी को ड्रिंक ऑफर करता है और उसके नशे में होने का फायदा उठाता है। कैसी उसे रुकने के लिए कहती है, पर वो शख्स नहीं रुकता। कैसी उठकर बैठ जाती है और वो शख्स ये देख के चौंक जाता है, क्योंकि कैसी बिल्कुल भी नशे में नहीं थी। और वहाँ से हमें दूसरा दृश्य दिखाया जाता है। सुबह हम कैसी को स्ट्रीट पर चलते हुए देखते हैं। वो एक कॉफी शॉप में काम करती है और वो फॉरेस्ट मेडिकल स्कूल से ड्रॉप आउट है। फिर हम देखते हैं वो अपने घर पर है और उसकी एक डायरी है जिसमें वो उस शख्स का नाम लिख रही है जिससे कल रात वो क्लब में मिली थी। आखिर उसके ऐसा करने की वजह क्या है। कैसी अपने मॉम डैड के साथ रहती है। कैसी कल रात नहीं आई थी तो उसके मॉम डैड इस बात से नाराज थे, पर इस पर कैसी कहती है उसे कॉफी शॉप में हिसाब किताब का काम करना था, इसीलिए देर हो गई। कैसी के मॉम डैड उसे लेकर काफी चिंतित होते हैं, क्योंकि वो कई कई रात घर नहीं आती। एक दिन कॉफी शॉप में कैसी की मुलाकात एक पुराने स्कूल क्लासमेट रयान से होती है। पहले तो कैसी उसे पहचान नहीं पाती, पर वो उसे बताता है कि वो दोनों एक साथ पढ़ा करते थे। रयान कहता है, पर तुम यहाँ क्यों काम कर रही हो। कैसी स्माइल करके कहती है, क्या कॉफी शॉप में काम करना बुरी बात है। रयान कहता है, पर तुम इतनी अच्छी मेडिकल स्टूडेंट थी। रयान कैसी को डेट के लिए अप्रोच करता है, पर कैसी उसका कोई जवाब नहीं देती। रात हम कैसी को देखते हैं। कैसी एक मेकअप ट्यूटोरियल देख रही है कि किसी भी शख्स को अपनी तरफ कैसे आकर्षित करे। कैसी आज रात फिर एक नए शिकार की तलाश में जा रही थी। दूसरे सीन में हम देखते हैं कैसी एक शख्स के साथ उसके घर पर बैठी होती है। वो शख्स कोकेन ले रहा होता है और फिर से कैसी नशे में होने का नाटक कर रही थी। जब वो कैसी को सेड्यूस करने लगता है तो वो कहती है कि उसे घर जाना है, और वो शख्स कैसी को होश में देख कर डर जाता है। कैसी हर रात यही करती थी। ये करके कैसी उन लोगों को खुद की नजर में गिरा देती थी और वो वहाँ से चली जाती है। रात कैसी अपनी बुक में उस शख्स का नाम लिखती है और उसे कट कर देती है। फिर कैसी एक तस्वीर की तरफ देखती है। वो तस्वीर कैसी की बेस्ट फ्रेंड नीना की थी। फॉरेस्ट मेडिकल कॉलेज में कुछ स्टूडेंट्स ने मिलकर नीना का रेप किया था, पर नीना को कोई इंसाफ नहीं मिलता और स्कूल अथॉरिटी इस बात को दबा देते हैं, क्योंकि जिसने नीना का रेप किया था वो स्टूडेंट काफी पावरफुल फैमिली से बिलोंग करता था। नीना को इंसाफ नहीं मिलता और वो सुसाइड कर लेती है, और उस हादसे ने कैसी को बुरी तरह से झकझोर के रख दिया था, और उसके वजह से कैसी ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। इसीलिए कैसी रात कुछ लोगों को अपना शिकार बनाती है और उन्हें एक सबक देती है कि किसी लड़की का फायदा उठाना कितना गलत है। उसे लगता है कि वो ऐसा करके कुछ लोगों को तो बदल सकती है। दूसरे दिन सुबह हम देखते हैं कैसी के मॉम डैड उसके लिए बर्थडे गिफ्ट लेकर आए थे, पर उसे खुद याद नहीं था कि आज उसका बर्थडे है। पर कैसी को कोई खुशी नहीं होती। उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें अपने दोस्तों को बुलाकर पार्टी करनी चाहिए, पर वो कहती है कि मेरा कोई दोस्त नहीं है। इस पर कैसी की मॉम गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि तुमने नीना के साथ स्कूल छोड़ दिया था और उस बेकार से कॉफी शॉप में अपना वक्त बर्बाद कर रही हो और सारी रात पता नहीं कहाँ रहती हो। पर कैसी ये सब चुपचाप सुन रही होती है। फिर वो स्माइल करके वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन कॉफी शॉप पर रयान आता है। वो बताता है कि उस दिन तुमने अपना गलत नंबर मुझे दिया था। वो कहता है कि वो कैसी को काफी पसंद करता है और आज वो उसे लंच पर ले जाना चाहता है। कैसी अग्री हो जाती है। उसे लगता है कि रयान और लड़कों जैसा नहीं है। कैसी लंच के लिए घर से रेडी होकर निकलती है। उसके डैड के पूछने पर वो बताती है कि वो एक फ्रेंड के साथ बाहर लंच पे जा रही है। इस बात से कैसी के मॉम डैड काफी खुश होते हैं। हम देखते हैं दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। दोनों स्कूल के बारे में काफी बातें करते हैं। रयान कहता है, अगर तुमने अपनी पढ़ाई पूरी की होती तो आज तुम एक कामयाब डॉक्टर होती। इस पर कैसी कुछ नहीं कहती है। रात दोनों वॉक करते हुए जाते हैं। रयान रुक जाता है। वो बताता है, ये कितना अजीब कोइंसिडेंस है, मैं सामने वाली बिल्डिंग में रहता हूँ। वो कहता है, क्या तुम ऊपर आकर ड्रिंक करना पसंद करोगी। पर कैसी कहती है, मैं घर जा रही हूँ। कैसी वहाँ से जाने लगती है। कैसी दुखी हो जाती है। उसे लगता है रयान भी बाकी लड़कों जैसा ही है। कैसी गुस्से में सामने रखी डस्टबिन को किक कर देती है। दूसरे दिन कैसी एक हॉस्पिटल में जाती है। ये वही हॉस्पिटल है जहाँ रयान एक डॉक्टर है। रयान कैसी को देख के शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि कल रात के बाद कैसी उसे दोबारा मिलने आएगी। वो कहती है, मैं चाहती हूँ कि हम इसमें कोई जल्दबाजी ना करें।
रैन उसकी बात समझ जाता है। केसी को लगता है रैन को लेकर उसकी सोच गलत थी, रैन दूसरे लड़कों जैसा नहीं है। रात रैन केसी के कॉफी शॉप में बैठा होता है। दोनों स्कूल की बातें शुरू कर देते हैं। रैन के पूछने पर केसी बताती है कि वो स्कूल के किसी भी फ्रेंड के कॉन्टैक्ट में नहीं है। रैन कहता है कि उसके स्कूल की क्लासमेट मेडिसन की शादी हो गई है और उसके जुड़वा बच्चे हैं। मेडिसन वही लड़की थी जिसने नीना के केस को दबाने की कोशिश की थी। वो बताता है एल मोनरॉय एक मॉडल से शादी कर रहा है। एल मोनरॉय वही लड़का था जिसने नीना का रेप किया था। यहाँ केसी एल मोनरॉय से रिवेंज लेने का प्लान करती है। रात केसी मेडिसन का प्रोफाइल सोशल साइट पर सर्च करती है और उसे एक होटल में मिलने के लिए बुलाती है। दोनों साथ बैठे होते हैं। मेडिसन खुद को एक फेमिनिस्ट बताती है क्योंकि स्कूल में उसके कई लड़कों के साथ संबंध थे और वो इस बात को हंसकर बता रही थी। केसी उसे पुरानी बात याद दिलाती है कि उसने स्कूल क्यों छोड़ा था। मेडिसन कहती है स्कूल की पार्टी में ये सब आम है। मेडिसन के हिसाब से किसी लड़की के साथ बिना उसकी मर्जी के जबरदस्ती करना बिल्कुल आम बात है। मेडिसन बार बार यही दोहरा रही थी कि नीना का रेप नहीं हुआ था। केसी उसके इस बात पे कुछ नहीं कहती। मेडिसन काफी ड्रंक हो जाती है क्योंकि उसे केसी ने काफी शराब पिला दी थी। केसी काउंटर की तरफ आती है। वहाँ एक शख्स था जिसे केसी ने हायर किया था। वो उसे कुछ पैसे देती है और मेडिसन को रूम नंबर 42 में ले जाने के लिए कहती है। दूसरे दिन मेडिसन केसी को काफी कॉल्स करती है पर केसी उसका कोई जवाब नहीं देती। मेडिसन ड्रंक थी, उसे कुछ याद नहीं था। उसे बस इतना याद था कि कोई शख्स उसे कमरे में ले गया था और उसे इस बात का डर है कि उसने उसके साथ क्या किया होगा। दूसरे दिन केसी अपने नेक्स्ट टारगेट एलिजाबेथ की तरफ निकल जाती है जो कि फॉरेस्ट स्कूल में एडमिनिस्ट्रेटर अथॉरिटी है जिसने नीना के केस को दबाने की पूरी कोशिश की थी। केसी कैंपस में एलिजाबेथ की बेटी एम्बर से मिलती है। केसी उसे बताती है वो पॉपुलर बैंड की मेकअप आर्टिस्ट है और वो रास्ता भटक गई है। एम्बर उस बैंड की फैन होती है। वो केसी को अपने साथ ले जाने के लिए कन्विंस कर लेती है। ये भी केसी के ही एक प्लान का हिस्सा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं केसी एलिजाबेथ के ऑफिस में बैठी होती है। केसी अपना नाम डेजी बताती है। वहाँ वो स्कूल में एडमिशन के लिए आई थी। केसी वहाँ अपनी फ्रेंड नीना का जिक्र करती है पर एलिजाबेथ को कुछ याद नहीं होता क्योंकि ये काफी पुरानी बात थी। पर फिर केसी एल मोनरॉय का नाम लेती है जो कि एलिजाबेथ को याद था। केसी उसे बताती है कि जब नीना का रेप हुआ था तो वो एलिजाबेथ के पास रिपोर्ट करने आई थी पर उसने इस बात को दबा दिया था। एलिजाबेथ पूरी तरह से अनजान थी, जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। एलिजाबेथ कहती है कि नीना उस दिन ड्रंक थी। इस पर केसी कहती है अगर कोई ड्रंक हो तो वो गलत हो जाता है। केसी कहती है उसने उसकी बेटी एम्बर को कुछ लड़कों के साथ हॉस्टल में छोड़ दिया है और वो कुछ भी कर सकते हैं उसके साथ। इस पर एलिजाबेथ उससे रिक्वेस्ट करती है कि उसकी बेटी कहाँ है, प्लीज उसे बता दे। केसी हंस के बताती है कि वो ठीक है, वो कैसल डिनर में अपने फेवरेट बैंड का वेट कर रही है। केसी एलिजाबेथ को बस ये एहसास दिलाना चाहती थी कि नीना उस दौर से कैसे गुजरी होगी जब उसके साथ ये सब हुआ था। फिर वो वहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते हैं केसी एक क्लब में ड्रंक होने का नाटक करती है जैसा वो अक्सर किया करती है। एक शख्स उसे अपने साथ ले जाने लगता है, तभी वहाँ रैन उसे देख लेता है। केसी शर्मिंदा हो जाती है। वो रैन को एक्सप्लेन करने जाती है पर रैन वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन केसी एल मोनरॉय के लॉयर ग्रीन के घर जाती है। उस वक्त ग्रीन ने नीना को काफी हरास किया था कि वो अपना केस वापस ले ले, पर अभी तक ग्रीन उस केस को भूला नहीं था। उसे नीना का नाम अब तक याद है। ग्रीन बताता है कि उसने पैसों के लिए न जाने कितने ऐसे केस जीते हैं और उन लड़कियों को इंसाफ नहीं मिला। इस बात का उसे पछतावा है। वो केसी के पास आता है। वो बताता है इस वजह से मैं कितनी रातों से सोया नहीं हूँ, शायद मैं इसीलिए खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। वो केसी के हाथों पर अपना सर रख देता है और उसे माफ करने के लिए कहता है। ये देखकर केसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो ग्रीन को माफ कर देती है। केसी वहां से चली जाती है। वो नीना के मॉम के घर आ जाती है। वो दोनों नीना को लेकर काफी बातें करते हैं। नीना की मॉम कहती है कि तुम्हें ये सब छोड़ के अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए और ये हम सबके लिए अच्छा होगा। आगे हम देखते हैं केसी एल मोनरॉय की प्रोफाइल चेक करती है। एल शादी से पहले एक बैचलर पार्टी दे रहा है पर वो जगह टॉप सीक्रेट है। हम देखते हैं केसी वो बुक डस्टबिन में फेंक देती है जिसमें वो सभी लड़कों का नाम लिखा करती थी। अब केसी इन सब से मूव ऑन करना चाहती थी। दूसरे दिन वो रैन के घर जाती है। केसी कहती है उसने उस रात जो देखा वो उसके लिए माफी मांगती है और दोबारा ऐसा नहीं होगा। इस पर रैन कोई जवाब नहीं देता। केसी को लगता है शायद रैन उसे माफ नहीं करेगा और वो वहां से चली जाती है। उसके बाद से केसी काफी सैड हो जाती है। दूसरे दिन कॉफी शॉप में रैन आता है।
वो केसी को डिनर के लिए अप्रोच करता है। केसी स्माइल करती है और फिर वो दोनों किस करते हैं। वो दोनों साथ काफी टाइम स्पेंड करते हैं। केसी रैन को अपने घर डिनर पर ले आती है। उसके मॉम डैड इस बात से काफी खुश होते हैं कि वो अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर रही है और रैन भी एक डॉक्टर है। रात केसी के डैड कहते हैं कि उसने रैन से मिलवा के अच्छा किया और उन्हें इस बात की खुशी है। उसके डैड कहते हैं, नीना हमारी बेटी जैसी थी, हम उसे बहुत मिस करते हैं। केसी एक बार फिर से नीना को याद करके इमोशनल हो जाती है, जैसे किसी ने पुराने जख्मों को फिर से खुरेद दिया हो। दूसरे दिन केसी अपने घर पर आती है। वो देखती है सामने मेडिसन है। वो काफी वक्त से केसी को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रही थी। केसी बताती है कि उस दिन होटल में उस शख्स ने उसके साथ कुछ नहीं किया था, वो बस उसे रूम में ले गया था। मेडिसन ये सुन के राहत की सांस लेती है। मेडिसन उसे अपने घर पे चलने के लिए कहती है। वो कहती है कि उसे कुछ दिखाना है। मेडिसन बताती है कि वो नीना को लेकर गलत थी और इस बात का उसे अफसोस है। वो केसी को एक टेप देती है। उस टेप में एल नीना का रेप कर रहा था और वहाँ बाकी के स्टूडेंट्स भी थे। और जाते वक्त मेडिसन कहती है कि दोबारा मुझे कभी कॉन्टैक्ट मत करना। केसी उस टेप को देखकर रोने लगती है, क्योंकि जब नीना का रेप हो रहा था तो उस वक्त रैन भी वहाँ था और वो भी इसमें शामिल था। उसके बाद केसी दुखी हो जाती है। केसी उस टेप को लेकर रैन के क्लिनिक जाती है। वहाँ वो रैन को वो टेप दिखाती है। टेप देखकर रैन शर्मिंदा हो जाता है। केसी कहती है अगर उसने उसे एल मॉनरॉय की बैचलर पार्टी का एड्रेस नहीं बताया तो वो ये टेप हर जगह फैला देगी। वो रैन को ब्लैकमेल करती है कि अगर ये टेप रिलीज हो गया तो उसकी नौकरी भी जा सकती है। रैन उसे पार्टी का एड्रेस देता है और उससे माफी मांगता है, पर केसी जाने लगती है। रैन केसी के लिए बुरे शब्दों का प्रयोग करता है। इस पर केसी उसके हंस के जवाब देती है और वहां से चली जाती है। आगे हम देखते हैं केसी उस जगह पहुंच जाती है जहां बैचलर पार्टी चल रही थी। उन्होंने अपनी पार्टी के लिए एक स्ट्रिपर बुलाई थी। वो स्ट्रिपर केसी बनकर जाती है। वहां एल अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। केसी एल को अपने साथ ऊपर लेकर चली जाती है। केसी उसके दोनों हाथ बेड से हैंडकफ्ड कर देती है। केसी कहती है वो उसे प्राइवेट डांस दिखाना चाहती है और कुछ नहीं। एल कहता है कि वो उसके साथ इंटीमेट नहीं होगा, क्योंकि थोड़े दिनों में उसकी शादी है और वो अपनी फियांसे से बहुत प्यार करता है। एल उसका नाम पूछता है। केसी उसे अपना नाम नीना फिशर बताती है। ये सुनकर एल शॉक हो जाता है। वो कहता है तुम नीना फिशर नहीं हो सकती, क्योंकि वो मर चुकी है। एल घबराने लगता है। वो उसे अपना हैंडकफ खोलने के लिए कहता है। उसे याद आ जाता है कि केसी नीना की फ्रेंड है। केसी उसे कन्फेस करने के लिए कहती है जो उसने नीना के साथ किया था, पर एल इस बात से साफ मना करता है। केसी मेडिकल किट खोलती है। एल ये देखकर और डरने लगता है। केसी एक ब्लेड लेकर उसके पास आती है। तभी एल का एक हैंडकफ खुल जाता है और वो केसी को नीचे गिरा के उसके मुंह को तकिए से दबा देता है। केसी चीखती रहती है, पर वो उस पर अपनी पूरी ताकत लगा देता है। थोड़ी देर में केसी की सांसें रुक जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। सुबह एल का फ्रेंड जो कमरे में आता है, एल उसे बताता है कि इस लड़की की डेथ हो गई है। जो को पहले लगता है कि वो मजाक कर रहा है, पर जब जो उसके मुंह से तकिया हटाता है तो वो देख के डर जाता है। केसी मर चुकी थी। जो एल को समझाता है कि ये एक एक्सीडेंट था और दोनों मिलकर केसी को जला देते हैं ताकि सारे सबूत मिट जाए। यहाँ हम घर पर केसी के मॉम डैड को देखते हैं, जो डिटेक्टिव से पूछ रहे हैं क्या वो केसी का फोन ट्रैक करके उसका पता लगा सकते हैं। पर वो बताता है कि केसी ने अपना फोन बंद कर दिया था। उनसे बात करने पर वो बताते हैं कि केसी रैन के बहुत क्लोज थी। डिटेक्टिव रैन के क्लिनिक पहुंच जाता है। वो उससे केसी के बारे में पूछता है, पर रैन उसे कुछ नहीं बताता। रैन कहता है केसी मेंटली अनस्टेबल थी। डिटेक्टिव वहां से चला जाता है। दूसरे दिन हम देखते हैं एल मॉनरॉय शादी कर रहा है और वहां रैन भी है। तभी रैन के फोन में एक शेड्यूल SMS फ्लैश होता है जो केसी ने किया था। और यहां हम देखते हैं ग्रीन को एक कुरियर मिलता है जो केसी ने भेजा था। उसमें एक फोन था जिसमें नीना का वो वीडियो था और साथ ही एक नोट था कि वो एल की पार्टी में जा रही है, अगर उसे वहां कुछ हो जाता है तो इस पैकेज को पुलिस तक पहुंचा देना। तभी सब देखते हैं कि एल की पार्टी में पुलिस आकर उसे अरेस्ट कर लेती है। इससे पता चलता है कि ग्रीन ने पुलिस को सब बता दिया है। यहाँ पुलिस अपनी टीम के साथ उस फार्म हाउस की तलाशी करती है। उन्हें वो जगह मिल जाती है जहाँ केसी को जलाया गया था। आखिरी सीन में हम देखते हैं रैन के फोन पर एक SMS आता है, एंजॉय द वेडिंग, जो केसी द्वारा भेजा गया एक शेड्यूल SMS था। और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।